मोहम्मद अकबर ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को साजिश करार दिया है। मामले में दस्तावेज पेश कर उन्होंने दावा किया है कि शिक्षक देवेंद्र कुमार का आवेदन सरकार छिपा रही है, जिसमें आरोपियों के नाम हैं 6 लोग धर्मदेव कुमारी, डिंपल, नंदू निषाद, लक्ष्मी कुमार जी, मनोहर लाल, योगेश कुमार ने थाना प्रभारी डोंडी को एक आवेदन देकर शिकायत की थी कि शिक्षक देवेंद्र कुमार कमेटी ने उन लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर 9 जुलाई 2022 को पैसा लिया है। मोहम्मद अकबर के मुताबिक लिखित में जो शिकायत की गई है उसमें उनका नाम नहीं है। 14 अगस्त को जो देवेंद्र थाना प्रभारी डोंडी लिखित में शिकायत की थी, जिसमें पैसे लेने का जिम्मेदार खुद देवेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार नेता और सलीम खान को बताया है। अचानक पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में अब मेरा नाम कहां से ला लिया। जिस पत्र को आत्महत्या करने वाले देवेंद्र कुमार कमेटी का बताया जा रहा है, उस पत्र की जाँच तक नहीं की गयी। इसमें साफ साफ साजिश दिख रही है। बालोद जिले में पता चला है मुझे, बालोद जिले में एक शिक्षक थे सर, उनके सुसाइडल नोट में नाम है कि किसी माध्यम से पैसे का लेन देन किया गया था, शायद इसलिए दर्ज हुआ होगा। अब जांच होगा और पता चलेगा। सेना के कुछ कैंप करने की भी योजना तो बात, क्या मामला है, कब तक क्या होगा? 2009 से प्रस्ताव है और एक कैंप ऐसा लग जाए जिसमें सेना का अभ्यास हो सके, बड़े चीज़ की आवश्यकता होती है, मध्य भारत में बहुत जगह हो सकता है, ऐसी कल्पना है, समीक्षा हो रही है, कोई निर्णय, कोई बातचीत, कोई स्थिति पर 400 में एक FIR दर्ज हुई है। मुझे जानकारी मिली है कि उसमें मेरा भी नाम शामिल किया गया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि नौकरी लगाने के नाम पर, वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों ने पैसा दिया और कुछ लोगों ने पैसा प्राप्त किया। उसमें जो जिन्होंने सुसाइड किया है देवेंद्र कुमार ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर का भी नाम है। मेरा इसमें यह कहना है कि जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने पैसा प्राप्त किया, इनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता। ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और ये बदनाम करने की साजिश है। 2022 का मामला है और 2022 में वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों से पैसा लिया गया था। उनमें से 6 लोगों ने 14/8/2024 को लिखित में एक शिकायत डोंडी थाने में दी। उसमें उन्होंने ये कहा कि देवेंद्र ठाकुर जो मृतक है, जिन्होंने आत्महत्या किया है, उसके ऊपर आरोप लगाया और ये कहा कि इनके माध्यम से हमने कुछ लोगों को पैसा दिया है, जिसमें हरेन ठाकुर, मदार खान भी है, और इनको इन्होंने नटराज होटल में साक्षात्कार के लिए बुलाया, उस समय भी सबसे 20,000 रूपये लिए। तो अब तक 2022 से लेकर हम लगातार इनके पीछे घूम रहे हैं, हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो ये देवेंद्र ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसी 14/8/2024 को इस पत्र के जवाब में इन सभी आवेदकों के सामने देवेंद्र ठाकुर मृतक खुद एक पत्र लिखित में थाने में जमा किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि 25/8/2024 तक मैं सारे लोगों को पैसा यदि नहीं दूंगा तो मेरे विरुद्ध, यानी देवेंद्र ठाकुर खुद के विरुद्ध और सलीम खान के विरुद्ध, जो मदार को उर्फ सलीम खान है, और तीसरा हरेन नेताम के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो मृतक ने जब थाने में आवेदन दिया उसमें भी मेरा नाम नहीं है और मृतक के विरुद्ध, देवेंद्र ठाकुर के विरुद्ध 6 लोगों ने जो आवेदन